ताइवान के पास चीन ने बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। आज से 3 दिनों तक रेड आर्मी का यह सैन्य अभ्यास चलने वाला है। ताइवान की सीमा में घुसे चीन के 13 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स, 3 वॉरशिप भी ताइवान की सीमा में घुसकर वॉर ड्रिल करते हुए नजर आए। प्रेसिडेंट वेन के अमेरिका से लौटने के बाद चाइना ने ताइवान की सीमा में जाकर यह अभ्यास शुरू किया है और एक बार फिर से चीन और ताइवान के बीच तनाव चरम पर आता हुआ नजर आ रहा है। और चीन ने तैयार किया खतरनाक जासूसी प्लान। जी हां, श्रीलंका में रडार बेस बनाने की तैयारी कर रहा है चीन। चीन के प्लान के बाद हिंद महासागर में बड़ा खतरा। चीन का रडार प्लान भारत के लिए बहुत खतरनाक। तो चीन का ये रडार प्लान, हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, लंबे समय से इस बात का शक था कि समुद्री सीमा, श्रीलंका के समुद्री सीमा के माध्यम से भारत की जासूसी करने की योजना चीन बना रहा है। इसके पहले उसके जासूसी वॉरशिप को लेकर काफी विवाद हुआ था और इस बार अब देखिए वहां पर पूरा का पूरा एक जासूसी बेस बनाने की कोशिश था कि भारत और अमेरिका की नेवल मूवमेंट पे नजर रख सके ड्रैगन। तो श्रीलंका में चीनी रडार और 3 देशों तक ये साजिश हो रही है चीन की कि 3 देशों के मूवमेंट पर, समुद्री मूवमेंट पर, उनकी सीमाओं पर नजर रखी जाए। तो श्रीलंका में चीनी रडार, 3 देश तक साजिश के तार। श्रीलंका में डोंडरा बे में रडार बेस बनाने की तैयारी चीन कर रहा है। हिंद महासागर में भारत की सभी गतिविधियों पर नजर रखने का प्लान है। अंडमान निकोबार से आने जाने वाले जहाजों को भी ट्रैक करने की तैयारी है। श्रीहरिकोटा में भारत के स्पेस पोर्ट पर भी चीन की नजर होगी। ओडिशा में मिसाइल परीक्षण रेंज तक की निगरानी कर सकेगा चीन। तमिलनाडु में कुडलकुलम में और कलपकम में न्यूक्लियर प्लांट की कर सकेगा निगरानी। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस की एरोस्पेस इंफॉर्मेशन रिसर्च टीम इसकी तैयारी कर रहा है। तो एक बड़ी योजना, एक बड़ी प्लानिंग, एक बड़ा षड्यंत्र चीन का यहां पर नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे इस वक्त हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल सुधाकर, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कर्नल एस डिन्नी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डिन्नी सर, सवाल आपसे पहला यही और सीधे तौर पे मैं यही पूछूंगा कि चीन की ये लंबी साजिश थी, इसका शक तो भारत को था। जब जासूसी जहाज मूव कर रहा था श्रीलंका में भारत सीमा के पास, तब भी ये इशारा आ गया था कि चीन ये कर रहा है। अब ये बात बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है, क्या इरादा हो सकता है? सिर्फ जासूसी तक ही ये बात है या फिर कहीं कुछ और सोचा जा रहा है, प्लान हो रहा है चीन का श्रीलंका के माध्यम से? देखिए, एक चीज हमें बहुत पहले से ही पता है कि जो चाइना के मामले में इंडो पैसिफिक या इंडियन ओशन एरिया जो है वो बहुत एक सेंसिटिव एरिया है। वहाँ पर उसकी प्रेजेंस बहुत कम है, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा जो भी ट्रेड होता है या बाकी जो चीज़ें जाती है उसकी क्रिटिकलिटी भी सबसे ज़्यादा वहीं पर है। तो हर ऐसा मौका कभी भी चाइना जो है खोने नहीं देता जहाँ की वो अपना बेस लगाए, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे श्रीलंका में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे इस तरफ म्यांमार और उस तरफ के जो कोस्टल एरिया है। तो हर वक्त हमने देखा है कि लगातार जो है चाइना अपना बेस को वहां पर रखने की, एक लिसनिंग पोस्ट की या एक नेवल शिप बनाने की क्षमता है या रडार स्टेशन से, इस तरह की जो है वो लगातार करते हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर रडार पोस्ट की बात करें, ये बहुत ही सेंसिटिव, क्योंकि ये ऐसा ज्योग्राफिकल लोकेशन में है जहां पर कि पूरे इंडियन ओशन एरिया की जो है वो अपना, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था, उसको सर्वेलेंस में रख सकता है। और आने वाले दिनों में मैं ये मानता हूं कि इंडो पैसिफिक एरिया में ही बिल्कुल सबसे ज्यादा घमासान। लेकिन अब इसमें एक बड़ा सवाल ये भी है सर कि अगर चीन की गतिविधियां श्रीलंका के माध्यम से यहां बढ़ रही हैं तो भारत और श्रीलंका के रिश्तों पर इसका कैसा असर पड़ने वाला है? और ये अब आपको भारत के उन जगहों के बारे में बताते हैं जहां चीन रडार के जरिए नजर रखने की तैयारी कर रहा है। चीन की ये प्लानिंग है। तो चालबाज चीन जासूसी सीन क्या है ये सीन? श्रीहरिकोटा में स्पेस पोर्ट पर नजर रखने की कोशिश, ओडिशा में मिसाइल परीक्षण की निगरानी करने की कोशिश, तमिलनाडु कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट पर भी नजर रहेगा, तमिलनाडु के कलपकम न्यूक्लियर स्टेशन पर भी उसकी नजर रहेगी। तो भारत के जो मेजर एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उन पर नजर रखने की कोशिश चीन की तरफ से ये की जा रही है और ये अपने आप में बड़ी चिंता की बात है क्योंकि चीन इस मामले में कंसिस्टेंट दिखा है। लगातार ये कोशिशें चीन की तरफ से चल रही हैं, अब ये एक और बड़ी कोशिश चीन की जासूसी की। बिल्कुल रवि, और जो चालबाज चीन है उसकी जासूसी का ये मेगा प्लान सामने आ चुका है। ऐसे में
क्या करेगा भारत, और भारत के साथ साथ दो और ऐसे सुपर पावर बड़े देश जिनकी निगाह चीन के इस मूव पर है। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर सर हमारे साथ जुड़ गए। सुधाकर सर, ये बताइए, सिर्फ भारत नहीं, चीन, अमेरिका और ब्रिटेन को भी इसकी जद में लेना चाहता है, वहां पर भी निगाह रखना चाहता है, ऐसे में क्या ऑप्शन बचता है अमेरिका और ब्रिटेन के लिहाज से अगर देखें, और चीन का अगर इस कदम को रोकना पड़ेगा तो क्या पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है? हालांकि वो जगह तो श्रीलंका की है, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन क्या कुछ कर सकते हैं चीन को रोकने के लिए? रवि, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मेरे को इनवाइट किया आपके चैनल में, और आपको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं हमारे व्यूअर्स को एंड को पैनलिस्ट। जो सवाल आप कर रहे हैं इसमें काफी सारे मुद्दे हैं, तो एक पहलू को मैं सबसे पहले क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि चाइना क्यों कर रहा है जो वो कर रहा है। इसी चाइना के पास हमें हमारे व्यूज का समझना है कि उसका जो एनर्जी सिक्योरिटी, ये एक ऐसा इकोनॉमी है पिछले 30 साल से इसका सस्टेंड इकोनॉमिक ग्रोथ 9-12% परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंटली हुआ है, तब जाके ये 872 मिलियन पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन को उन्होंने लिफ्ट किया है। नंबर दो, ये इकोनॉमी को इस तरफ सस्टेन ग्रोथ आज के दिन में इतना नहीं है, काफी ड्रॉप हो गया है, वो तो माइनस में चले गया था, अभी 2.5-2.9 तक आए हैं, 3 के आसपास, तो ये इतना लो हो गया है इकोनॉमी कि ये इसके देश का जो तरक्की हुई है उसके ऊपर आंच पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात है एनर्जी सिक्योरिटी, उसका 83-85% एनर्जी जो है ये पर्शियन गल्फ की तरफ से आता है, लैटिन अमेरिका से कुल मिला के एक सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन जो इंडियन ओशन रीजन के होते हुए मलाका स्ट्रेट होते हुए जाता है ये, तो इसीलिए इसका इकोनॉमी के ऊपर जो आंच आ सकता है, छोटा सा कोई अगर ट्रिगर हो जाता है, कोई एक्शन हो जाता है, तो ये बड़ा एक जबरदस्त इंपैक्ट उसकी ग्रोथ स्टोरी के ऊपर हो सकता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, भारत का जो ज्योग्राफिक लोकेशन है, जो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, ये नेचुरल एक कुदरत ये भगवान ने दे रखा है, हमारा लैंग्वेज हो, कल्चर हो, लोगों के साथ मेल मिलाप हो, इंडियन ओशन के जो रिम स्टेट्स हैं करीब करीब 39 के आसपास, हर एक रिम स्टेट के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, तो ये जो नेचुरल एडवांटेज भारत को मिल रहा है इसको ये नाकारा करने के लिए ये चाइना का मतलब ये चीन का बहुत बड़ा प्लान है, और उसके जरिए भारत पर निगाह रखने की वो बड़ी कोशिश कर रहा है। हालांकि भारतीय एजेंसियों की निगाह चीन पर है, और श्रीलंका को बार बार ये आगाह किया जा रहा है कि जो वो कर रहा है चीन के गोद में खेलने की कोशिश, उसमें उसका भी नुकसान है, इस पर करेंगे चर्चा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, चीन के रडार से अमेरिका और ब्रिटेन को भी बड़ा खतरा है। रडार से अमेरिका ब्रिटेन की गतिविधियों पर हिंद महासागर में नजर रखेगा चीन, अमेरिकी ब्रिटेन की मिलिट्री बेस की जासूसी कर सकता है चीन, हिंद महासागर में अमेरिका और मिलिट्री बेस है ब्रिटेन का, और इसके जरिए निगाह रखने की कोशिश। तो ड्रैगन का रडार प्लान हम आपको बता रहे हैं, अमेरिका ब्रिटेन तक इससे हड़कंप मचा हुआ है, चीन के रडार बेस से ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों की सुरक्षा को भी बड़ा खतरा है। और आपको बता दें कि चीनी डिएगो गार्सिया में अमेरिकी ठिकानों की भी जासूसी करेगा चीन, और अमेरिका और ब्रिटेन की पल पल की मूवमेंट पर चीन की नजर रहने वाली है। हिंद महासागर में भारत अमेरिका ब्रिटेन के खिलाफ बड़ा प्लान तैयार कर सकता है चीन, और चीन के इस प्रोजेक्ट से और कर्ज तले दब सकता है श्रीलंका, जो पहले से ही खस्ता हाल है, पहले से ही श्रीलंका की स्थिति और खराब है, लेकिन जिस तरीके से चीन के स्ट्रैप में उलझता जा रहा है श्रीलंका, आने वाले दिन और मुश्किल भरे लग रहे हैं। डिनी सर, वही सवाल मैं फिर लेके आपके सामने आ रहा हूं कि श्रीलंका जैसे जैसे चीन के साथ कदम बढ़ाएगा, चाहे वो जासूसी का मामला हो, चाहे अपनी इकोनॉमी ठीक करने की बात हो, या कुछ भी हो, पड़ोसी देशों की जासूसी का बेस अगर श्रीलंका में है, तो ये श्रीलंका के लिए कितने बड़े खतरे की घंटी है, भारत और श्रीलंका के संबंधों में ये कितनी दूरियां बढ़ा सकता है? देखिए, श्रीलंका के मामले में मैं ये जरूर कहूंगा कि उनके लिए अभी ऐसी हालत है कि वो ना इधर जा सकते हैं या ना इधर आ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है ना भारत के साथ में पूरी तरह से भारत को एक तरफ नहीं कर सकते, ना चाइना को एक तरफ कर सकते हैं, तो वो एक बहुत, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसा है कि मेरा सवाल है कि अगर भारत की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज करने का माध्यम श्रीलंका बनता है, तो ये स्थिति कितनी गंभीर है श्रीलंका की?
बिल्कुल, ये बहुत ही ज्यादा, क्योंकि वो डायरेक्टली ही फिर इंडिया के अगेंस्ट में अगर इस तरह के कदम उठाते हैं, क्योंकि अभी तक ये रिपोर्ट जरूर आया है लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ है कि उन्होंने रडार स्टेशन बनाना शुरू कर दिया या उस प्लान्स है, लेकिन अगर ये बनता है तो ये मैं कहूंगा कि इंडिया श्रीलंका रिलेशंस में एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव मार्क होगा। और इस तरह से अगर एक एक सिर्फ एक रडार स्टेशन ही नहीं है, 45 एकड़ की ज़मीन वो ले रहे हैं, तो नेचुरल है कि वहाँ पर बाकी नेवल जो सबमरीन जैसे चीज़ें हैं वो भी आ सकते हैं। तो ये भारत के संबंध में बहुत ही गंभीर मामला है और मुझे लगता है कि भारत जो है अपना पूरा प्रेशर डालेगा ताकि ये जो रडार स्टेशन है या नेवल इंस्टॉलेशन है वो ना आए। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। और आइए अब दर्शकों को बताते हैं कि डिएगो गार्सिया द्वीप अमेरिका और ब्रिटेन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, और चीन किस तरह से इनकी सुरक्षा में सेंध लगाने की तैयारी कर रहा है इसके माध्यम से। तो डिएगो गार्सिया की अहमियत क्या है, जरा इसको जल्दी से हम समझने की कोशिश करते हैं। डिएगो गार्सिया अमेरिका और ब्रिटेन की संयुक्त एयर स्ट्रिप है, तो आप समझिए कि दोनों देशों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण द्वीप है ये, एक सेंटर की तरह है ये, और द्वीप पर अमेरिका ब्रिटेन मिलकर ये स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं अपने, चाहे वो सुरक्षा की बात हो या दूसरी स्ट्रैटेजीज है उनको तैयार करते हैं। अमेरिका से कई फाइटर जेट्स और बॉम्बर इस द्वीप पर मौजूद हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के गढ़ को तोड़ने में द्वीप से काफी मदद मिली थी, आप समझिए इसकी हिस्ट्री कैसे है। और डिएगो गार्सिया द्वीप ब्रिटेन के भी कई फाइटर जेट्स वहां पर इस जगह पे मौजूद है। चीन की रडार से अमेरिका ब्रिटेन की सुरक्षा में सेंध को खतरा है। तो विपिन, ये बात तो तय है कि चीन जैसे जैसे इस तरफ बढ़ रहा है, न सिर्फ भारत, अमेरिका और ब्रिटेन के लिए भी एक संकट है। बिल्कुल, सवाल बड़ा यही है कि न सिर्फ भारत बल्कि निगाह जो चाइना की है वो अमेरिका और ब्रिटेन पर भी है, लेकिन चीन की इस कदम पर वो कैसे रिएक्शन देते हैं, क्या रोकने की कोशिश होगी और क्या श्रीलंका मानेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सुधाकर सर, क्या श्रीलंका एक प्लेटफॉर्म की तरह चाइना उसको यूज कर रहा है, ये बात पूरी दुनिया को पता है, श्रीलंका को ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही है। दूसरी बड़ी बात, श्रीलंका की मजबूरी क्या है, अब जब ये बेस बनाने की तैयारी कर रहा है चीन वहां पर, तो अमेरिका और ब्रिटेन भी उसकी जद में आ रहे हैं, ऐसे में विकल्प क्या बचता है, कैसे रोका जाएगा और क्या रोकना चीन को संभव होगा श्रीलंका की जमीन पर, श्रीलंका के समुद्री इलाके में। बिल्कुल, जो सवाल पूछ रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नंबर एक, श्रीलंका को बिल्कुल समझ में आ रहा है, लेकिन वो कैच 22 सिचुएशन, जैसे मेरे को पैनल साहब बेहतरीन तरीके से समझा रहे थे, तो उनको पता नहीं है कि इधर आना है या उधर आना। उनको अच्छी तरह समझ में है कि ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी और रिलीजियस जो कनेक्टिविटी है, एथनिसिटी कनेक्टिविटी है, उस पहलू को मध्य नजर रखते हुए उनके पास कोई रास्ता नहीं होना चाहिए बल्कि हिंदुस्तान की तरह। बिल्कुल बिल्कुल, कई सारे आयाम हैं, कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। और देखिए, दूसरे देशों की खुफिया जानकारी जुटाने में लगा है चीन, घरेलू सामानों से भी जानकारी इकट्ठा कर रहा है चीन, चीन की जासूसी, और अमेरिका ब्रिटेन जैसे देशों को भी इससे बड़ा खतरा है। तो न सिर्फ भारत, जैसा कि बार बार हम ये बात कर रहे हैं, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के लिए भी ये संकट की घंटी है, खतरे की घंटी, और निश्चित तौर पर उनकी भी दृष्टि, उनकी भी नजर होगी चीन की इस गतिविधि पर। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि चीन के इस तरह से श्रीलंका को इस्तेमाल करने का असर भारत और श्रीलंका के रिश्तों पर पड़ सकता है, वो रिश्ते जो ऐतिहासिक हैं, जो सांस्कृतिक हैं, जो धार्मिक रहे हैं, सामाजिक रहे हैं, उन सब में भी एक खटास आ सकती है अगर भारत की सुरक्षा को खतरा श्रीलंका की जमीन से चीन पैदा करने की कोशिश करता है। और सीधे चलेंगे विपिन के पास कुछ और अहम जानकारियों के। बिल्कुल रवि, देखिए चीन की दूसरे देशों में ये तीसरी आंख रखने की कोशिश है और तमाम देशों पर श्रीलंका के जरिए नजर रखने की कोशिश, घरेलू उपकरण के जरिए दुनिया के कई देशों की फिलहाल जासूसी कर रहा है चीन, फ्रिज, मोबाइल, लैपटॉप और टीवी जैसे उपकरणों से जानकारी जुटाने में लगा हुआ है चाइना, घर के सामानों में माइक्रोचिप से निजी जानकारी हासिल करता है चीन, कारों में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स से भी जानकारी जुटाने में लगा हुआ है चीन। ब्रिटिश सरकार ने पिछले दिनों चीन की जासूसी को लेकर बाकायदा एक विस्तृत रिपोर्ट भी जारी की थी, रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सामान अलग अलग सर्वर से जुड़े हैं और 5G नेटवर्क से ऑपरेट हो रहे हैं, ताइवान को हथियारों की सप्लाई की जानकारी भी पहले हासिल कर लेता है चीन, और ये तमाम तरीके से पूरी दुनिया पर निगाह रखने की कोशिश है और चीन की चालबाजी फिलहाल एक्सपोज तो हो गई है, लेकिन रोकेंगे कैसे ये सबसे बड़ा सवाल है। डिनी सर हमारे साथ है। सर, जिस तरह की रिपोर्ट हमने दिखाई
और जो डिटेल्स आपको बताया है ये बताने के लिए काफी है कि चीन का प्लान कितना बड़ा है, लेकिन सवाल ये है कि इस मेगा प्लान को रोकेगा कौन, कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि दुनिया के मार्केट पर चीन किस तरह से कब्जा जमाया है ये बात किसी से छिपी नहीं है। एब्सोल्युटली, देखिए चीन का जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, जो इन्फॉर्मेशन को यूज करके किस तरह से आर्थिक चीजें हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे मिलिट्री डोमेन में हो, अपना जो हावी बनाने की जो उनकी होड़ है वो बहुत सालों से चलते आ रहा है। और लेकिन आज के तारीख में मैं जरूर ये कहूँगा कि कोविड के बाद एक पूरे विश्व में चाइना के खिलाफ एक इस तरह का एक माहौल बना है कि लोग अब शक्या नजर से ही देखते हैं। तो हमने देखा है कई सारे देशों में भी ऐप्स हो चाहे बाकी सारी चीजों में बैन लगा है। तो मेरे ख्याल से एक 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 आम सहमति सा बन रहा है कि चाइना का एक जो चीज एक एक बिलीव लेता था कि भाई ये ठीक है, लेकिन आज की तारीख में कोई भी कंट्री हो चाहे जितना ही करीब चाइना का हो, वो भी एक जब भी कोई एक इस तरह का ट्रेड हो, चाहे वो मिलिट्री पैक्ट हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक चीजें हो, एक शकिया नजर से ही चाइना को देखता है। तो ये एक पहला स्टेप है, लेकिन आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से एक कॉन्फ्लिक्ट आर्किटेक्चर बनाने की जरूरत पड़ेगी ताकि इस तरह की जो चाइना की एक्टिविटीज है उस पर एक 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 रोक लगाया जाए। बिल्कुल सुधाकर साहब, आपका क्या टेक है और भारत की तरफ से ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, क्या ऐसे प्रिमिटिव स्टेप्स हैं जो भारत उठा सकता है इन सिचुएशंस को देखते हुए? बिल्कुल, देखिए जो इसका जो खतरनाक इम्पैक्ट है भारत के ऊपर, ये जो रडार लगा रहे हैं, सर्विलेंस रडार, ये 600 किलोमीटर दूरी तक इसकी रीच है, पूरा कंप्लीट अंडमान को कवर करता है। और कुकूज आइलैंड में आपके चैनल में कोई दिन पहले मेरे ख्याल से कवर कर रहा था, वहां पे दो वाइनर छोटे छोटे आइलैंड है, वहां पे भी वो सिग्नल इंटेलिजेंस का भी रडार लगा रहे हैं, उसकी भी कवरेज करीब करीब ये दोनों रडार एक उत्तर से एक दक्षिण से ये ओवरलैप हो रहे हैं। और तीसरा चीज, भारत को क्या रोकथाम के लिए क्या स्टेप लेना चाहिए? नंबर एक स्टेप मेरे दिमाग में जो आ रहा है, ये जो IMF बेल आउट के लिए कमिटमेंट दिया है, अभी तक $300 मिलियन का उन्होंने डोल आउट किया है, बाकी के लिए IMF का एक प्रोविजन है, अगर इस किस्म की डेट ट्रैप पॉलिसी के मुताबिक चाइना अगर दबाव डालता है मिलिट्री कोरिशन के जरिए से, इस तरह अगर लैंड ग्रैबिंग करता है और दूसरे देश के सोवरेंटी और नेशनल इंटीग्रिटी के खिलाफ एक्शन लेता है पूरा पड़ोस में, ये यूक्रेन और रशिया वाले कहानी हो गया, इसके ऊपर दबाव डाल के IMF को रोकना चाहिए जब तक श्रीलंका की जो चाल बदल नहीं जाता इन फेवर ऑफ इंडिया। नंबर दो, ये समय आ गया है हमें जहां जहां पे सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन में फुटप्रिंट है, जैसे सबांग आइलैंड है, ठीक है सर, जल्दी से नंबर थ्री सर, तीसरा पॉइंट आपका, या जगह में सर्वेलेंस रडार्स को हमें इसी तरह लगाना चाहिए ताकि इसकी जो गतिविधि है। महत्वपूर्ण तीन पॉइंट्स आपने बताया जिस पर भारत आगे काम कर सकता है। शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।